हेलो एवरीवन, वेलकम टू आहिल टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबीक्विक एक्स्ट्रा के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 14% तक का आप इंटरेस्ट रेट पर ईयर अर्न कर सकते हैं। जहां आप सेविंग्स अकाउंट में अपने बैलेंस को रखते हैं, वहां पे आपको 3 से 3.5% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और FD में अप्रोक्स यहाँ पे अप टू 7.5-7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। वहीं आप मोबीक्विक एक्स्ट्रा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको 14% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को आप अपना रखते हैं, तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा रिस्क होता है, और स्टॉक मार्केट में भी तो काफी ज्यादा रिस्क वहां पे होता है। मगर यहां पे आप जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टॉक मार्केट से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे कि ये मोबीक्विक एक्स्ट्रा है क्या, ये कैसे काम करता है, और इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, सारा कुछ जो भी डिटेल्स है मैं पूरा इस वीडियो में कवर कर देने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास मोबीक्विक एप्लीकेशन होना चाहिए, उसमें आपका एक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप प्ले स्टोर से मोबीक्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर ईमेल डाल के उसमें एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद जब आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर रिटर्न, विड्रो एनी टाइम, स्टार्ट विद ₹1000, यानी कि इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। इसमें आप जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, और इसमें आप ₹1000 से भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बड़ी कमाल की चीज है, ये है RBI लाइसेंस P2P NBFC, ठीक है। ये NBFC होते हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। आपका जो पैसा आप जो इन्वेस्ट करते हैं, वो दूसरे किसी कर्जदार को कर्ज दिया जाता है उनके सिविल स्कोर के बेस पे, ठीक है ना। उसके द्वारा जो उनसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है कि उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है RBI के द्वारा ये लाइसेंस्ड है, यानी अप्रूव्ड है, RBI इनको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर्ड बाई RBI लाइसेंस्ड P2P NBFC, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14% तक का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब चलिए जान लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जान लिया कि ये P2P होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए हमें ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्ट नाउ का, इसके ऊपर आपको सिंपल टैप करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये ड्यूरेशन बेस्ड है, यानी कितनी अवधि के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 12.5% पर एन्यूम आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर आप 12 महीने के लिए करते हैं तो 13% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 24 मंथ्स, यानी कि 2 ईयर्स पर आपको यहाँ पे 14% यानी 14% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 1 मंथ के लिए करते हैं तो 10% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं तो 12% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। यानी कि हाईएस्ट जो 14% है, जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये है 24 मंथ के लिए, ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको 14% देखने को मिल जाता है। तो आप जो भी यहाँ पे अवधि देख रहे हैं, ड्यूरेशन देख रहे हैं, इतने वक्त के लिए आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 1 महीने के लिए करना है तो हमने इस पे टैप कर दिया, 3 महीने के लिए तो हमने इस पे टैप कर दिया, और यहाँ पे हम चाहते हैं 14%, तो फिर यहाँ पे 24 महीने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिया, जितने जैसे कि पहले मैंने बताया था 1000 मिनिमम यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। तो 1000 हमने यहाँ पे डाला, तो ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है
इसका जो इंटरेस्ट अर्न है किया गया है, ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि 10,000 हमने कर दिया तो इंटरेस्ट रेट ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप काफी आसानी से इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट मैं यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे 50,000 तो आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जितना भी हमने इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न किया है, टोटल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे डालना है, 1,000 से लेके 10,00,000 तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5,000 मैंने कर दिया, रिव्यू एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कितने दिनों के लिए आपने सेलेक्ट किया है, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैंक अकाउंट अगर आपने ऐड नहीं किया है तो काफी आसानी से आप बैंक अकाउंट में इसमें इंस्टेंटली ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहले कहा था कि आप कभी भी इस पैसे को जो है कि विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है। जैसे आप अगर 3 महीने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप यहाँ इसे विड्रॉ कर सकते हैं, मगर इसके लिए आप देख सकते हैं अगर आप आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 29th day यानी आज से 29 दिन के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई पैसा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। अगर आप 30 दिन के बाद अगर आप यहाँ पे करते हैं तो फिर आपको 8% का मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको 12% मिलेगा, यानी कि आपका जो है कि यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कटौती यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, 1 month के लिए भी यही है, मगर 6 महीने और 12 महीने और 24 महीने के लिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें आप अर्ली विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप मैच्योरिटी तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें अर्ली विड्रॉल अलाउड नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मगर 1 महीने और 3 महीने के लिए आपको बिल्कुल ही इसमें अर्ली विड्रॉल यहाँ पे जो है कि अलाउड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट मैच्योरिटी के बाद से आपको क्या करना चाहते हैं, जब आपका पैसा मैच्योर हो जाए तो फिर से आप इसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद से पे 5,000 वाले रूपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप UPI नेट बैंकिंग के द्वारा इजिली यहाँ पे पैसा एड कर लेंगे और आपका जो है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 24 घंटे के बाद से आपका इंटरेस्ट रेट जो भी होगा ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये यहाँ पे आपको दिखाएगा और उसके बगल में आपका इंटरेस्ट रेट जो आपने अर्न किया है डेली आपका इंटरेस्ट रेट 12 बजे के बाद से रात में जो एक अपडेट हो जाता है, डेली आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कितना आपको इंटरेस्ट रेट आज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी आसानी से आप मोबीक्विक एक्स्ट्रा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 14% तक का रिटर्न आप इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मोबीक्विक एप्लीकेशन आपके पास नहीं है या फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोबीक्विक एक्स्ट्रा में, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली जो है कि ये जो सारा प्रोसेस है आप कर सकते हैं और जो है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लीज आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।